नगर निगम द्वारा महानगर में चलाए जा रहे छोटे बड़े नालों की सफाई अभियान का शनिवार को महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। गोरखपुर क्लब के पीछे नाले, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आवास एवं कबाड़ी पुलिया के पास नाले के निरीक्षण के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने 15 जून तक सभी नालों की सफाई कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को नालों पर मशीनों के साथ साथ अतिरिक्त नाला सफाई कर्मियों को लगाकर नालों की विधिवत तल्लीझार सफाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल सीपी सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नियम है जरा फिर नाले के दोनों तरफ नगर नहीं घुसेगा, कैसे निकाल निकाल लाएंगे बाहर, वहाँ करेंगे तो जैसे भी नहीं जा पाएगा। अरे तोड़िए इसको, नहीं अभी नोटिस दीजिए इन लोगों को, घर का जितना कूड़ा है इस पर तो जा सकता है ना, हाँ आ जाएगा पोकलैन, नहीं जैसे भी नहीं आएगा पोकलैन आ रहा है, ट्रैक्टर भी घुसा होगा इस तरह नहीं तो हमारे जन्म से पहले है। देखिए आज शहर के पानी को जो बड़े नाले डिस्चार्ज करते हैं उसका नगर आयुक्त हमारे उपसभापति डीके सिन्हा के साथ निरीक्षण किया गया और डीसी बंगला गोरखपुर क्लब छात्र संघ चौराहे बड़े नालों की सफाई की जा रही है। जगह जगह पर कई जगह अवरोध थे, मैंने उन लोगों से कहा है कि नाले की सफाई में जो भी अवरोध हैं उससे शीघ्र हटाया जाए कि हमें जैसे भी मशीन से सफाई कराने में कोई असुविधा ना हो। अभी जहाँ जहाँ अवरोध हैं मैनुअल सफाई हो रही है लेकिन वहाँ जैसे भी हमारा संसाधन पहुँचेगा तो हम बेहतर ढंग से और सफाई करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हम बरसात को देखते हुए नालों की सफाई करते हैं, अन्य दिनों में उसमें झाड़ झंखाड़ जम जाते हैं, सिल्ड जम जाते हैं और नाला साफ नहीं रहता है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि हर 3 महीने पर जितने भी पानी डिस्चार्ज करने वाले हमारे बड़े नाले हैं उसकी समीक्षा करें, उसकी सफाई करें और उसमें जल निकासी सुनिश्चित करें। इस तरह से किया जा रहा है। अभी हम लोग बड़े नालों की सफाई कर रहे हैं, गुड़धोया नाला जिसमें शहर के 25 वार्डों का पानी निकलता है उसकी भी सफाई चल रही है और हम उम्मीद है 15 जून के पहले हम सारे नालों की सफाई कर लेंगे, छोटे नालों को भी सफाई कर लेंगे और किसी भी कीमत पर हम शहर को वाटर लॉकिंग से मुक्ति दिलाएंगे। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि इस काम में
जहाँ भी कहीं भी नाले पर अवरोध हो वे स्वयं उस अवरोध को हटा लें कि जिससे नाला सफाई करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही साथ नाले के अंदर जो सफाई हो रही है उसमें जूते चप्पल प्लास्टिक की बोतलें तरह तरह के सामान मिल रहे हैं। अगर हमारे नागरिक सचेत हो जाएं, सड़कों के जागरूकता नालों के लिए जागरूकता फैलाएं समाज में और स्वयं नाले में किसी तरह की गंदगी को न फेंकें तो नाले में पानी हमेशा बहता रहेगा। ये नागरिकों से हमारी अपील करते हैं कि ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे नाले सिल्ट से भरें।